देख, पेन लगाना तो पेनफुल नहीं होता ना उसके, जब मसल को ये देखो कितना उठा हुआ है, फील हो रहा है क्योंकि सारा प्रेशर इसी पे है, इसी को बेटर करने के लिए तो कर रहे हैं। ये चीज़ कपिंग से या किसी और से बेटर नहीं होता ना। तो गौरव धनीजा आपका मासा लगता है। नमस्कार। हाँ राइट साइड उठी हुई है, ये सारी चीज़ें वीकनेस है कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। ये नेक तेरी बेटर है या नहीं है? हाँ बेटर लग रही है। बेटर लग रही है, लगा रहने दूँ, निकाल दूँ, सपोर्ट है इससे, लगा रहने दूँ, ठीक है। बट ये शोल्डर राइट ही है, राइट ही है ना, लेफ्टी लेफ्ट से खेलता है, तो राइट तो कंपेरेटिवली काफ़ी वीक है। ये जब ये बाहर निकल जाता है इसका मतलब यहाँ पे ये मसल्स वीक होने लग गई हैं। अब ये इसका ट्रीटमेंट के बाद है, बहुत अच्छी शेप आ रही है, जैसे कि हम फर्स्ट डे देख रहे थे उसके कंपैरिजन में। ये ज़्यादा उठा हुआ है क्योंकि इस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, मसल्स सारी वीक हैं। वेरी गुड, पहन ले टी शर्ट। अब कैसा फील हो रहा है नीडलिंग के बाद, अपना एक्सपीरियंस में? नीडलिंग के बाद ऐसा लग रहा था पहले बार पर कुछ बट एक्सपैंड हो रहा है कुछ क्या चीज़, चेस्ट चेस्ट तो नहीं लेकिन बाकी मुझसे ऐसे लग खुल रही थी। बैक खुल रही थी ना, तो यही तो हम फर्स्ट डे भी करना चाह रहे थे, और आई एम श्योर 100% खुल जाएगी। लेट जाए, दोबारा से एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट उस दिन भी कराया था, डर लगा था तुझे, आज तो नहीं है, आ जाओ आ जाओ, खींचने वाला नहीं करेंगे, स्टमक पे लेट। हाँ तेरी हाइट क्या है? सिर्फ वेरी गुड, फिर तो अच्छी हाइट है तेरी। फादर की क्या हाइट है? 6'2"? फिर तो तुझे और लंबा होना चाहिए अभी तो, है ना? अभी तो 10th में है, सो ऑल गुड रीजंस दैट यू विल बिकम मोर टॉलर। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। नाइस, टर्न मेरी तरफ, टर्न करो, रिलैक्स, शोल्डर बैक, इजी, उस तरफ, नाइसली ओपन अप योर लोअर बैक, फील हुआ खुलते हुए, है ना? नीचे वाला पैर सीधा, हेड बैक, इजी, ये भी बहुत अच्छे से स्ट्रेट, रिलैक्स, इजी, इजी, वेरी गुड। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, इजी, बैठेंगे। अब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमको देखते हैं, है ना, उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस तो बता सकते हो। पर वर्ड से तो यह है कि तू थका भी होता है ना, तुझे लेटने को मिलता है, लोग तेरे ऊपर काम करते हैं, है ना, पर एक चीज़ हमेशा समझना कि ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ मशीन, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसकी भी सर्विसिंग करनी पड़ती है, इसमें भी चीज़ें खराब होती हैं, इसको भी ठीक करना होता है। तो इंसोल दे दिया हमने इसको, अभी 10 दिन के लिए बुलाया है, एवरी सेकेंड डे, है ना? तो जैसे क्या थर्सडे, तो अभी सैटरडे को आएगा, है ना, फिर मंडे को आएगा, इस तरह से वीक में ये 3 डेज हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आएगा। अगर कोई और चेंज होगा इसकी बॉडी में या कोई और चीज़ बतानी होगी तो हम व्यूअर्स को वो भी बताएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आप भी स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको ये थेरेपीज़ करानी है तो आप हमारे पास आ सकते हो, या अपने आसपास के किसी भी फिजियो से ये सारी चीज़ें बता सकते हो।
इनसोल भी हम कस्टमाइज़ करते हैं, आप बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हो, तो हमने सूर्या की नहीं बनाई थी। अगर उससे रिलेटेड भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सूर्या आप भी हमारा चैनल लाइक कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।